बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव मुरादाबाद में गाली देने पर एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया है कि 23 अप्रैल को विपिन उर्फ शंकर का शव घर में मिला था। वहीं पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया है कि गांव मुरादाबाद में युवक भूपेंद्र को किसी बात पर गांव के ही विपिन ने गाली दी थी। गाली देने से नाराज हुए भूपेंद्र ने विपिन का कत्ल कर दिया। सिकंदराबाद पुलिस ने भूपेंद्र को आला कत्ल बलकटी और घर में लगा बल्ब भी बरामद कर लिया गया है। ये बीती 23 तारीख को थाना सिकंदराबाद के मुरादाबाद गांव में एक व्यक्ति जिनका के नाम विपिन है, उनकी बॉडी उनके घेर पे ही मिली थी। वो एक खाट पे सो रहे थे और मौके को देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि उनके ऊपर जो मच्छरदानी लगी हुई थी उसके बाहर से किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सिकंदराबाद की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए भूपेंद्र नामक व्यक्ति जो कि मृतक का परिचित था उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि कुछ दिन पूर्व इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें कि मृतक ने भूपेंद्र को गाली दे दी थी। इस बात से वो काफ़ी आहत था और घटना वाले दिन उसने उसे मालूम था कि ये बाहर अपने घेर में सो रहा होगा, ये वहाँ पर जाकर वहाँ जो बल्ब लगा हुआ था उसने सबसे पहले उसे हटाया ताकि अंधेरा हो जाए, और उसके बाद अपने साथ एक ये बलकटी लेकर आया था जिससे कि उसके सर पे वार कर दिया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उसके बाद इसने वो बलकटी छुपा दी थी। इसके निशानदेही पर वो बलकटी जिसका कि घटना में प्रयोग किया गया था वो बरामद कर लिया गया है। वो बल्ब जो कि मौके से हटाया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसके आधार पर इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।